से थाना अंतर्गत जैताला रोड पर एक युवक ने परिसर में रहने वाले शराबी युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि हमलावर युवक ने सोते समय ही उसे मौत के घाट उतार दिया और वापस अपने घर आकर सो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। एमआरडीसी थाना अंतर्गत जैताला रोड पर एक युवक ने परिसर में ही रहने वाले शराबी युवक की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। हमलावर युवक ने सोते समय ही उसे मौत के घाट उतार दिया और वापस अपने घर आकर सो गया। फिलहाल ये घटना जब सामने आई तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बताया जाता है कि मृतक जैताला SRPF कैंप रोड निवासी राहुल गुलाबराव खोरगड़े बताया गया। पकड़ा गया आरोपी सतीश उचे बड़गे है। राहुल पेंटिंग का काम करता था जबकि सतीश मजदूरी करता था। राहुल भाउचा धक्का होटल के पीछे एक घर में किराए से रहता था। उसकी माँ सुनंदा और भाई अलग परिसर में ही रहते थे। बताया जाता है कि राहुल को शराब की लत थी। वह शराब पीकर किसी के साथ भी विवाद कर लेता था। इन्हीं हरकतों के कारण वह घर से अलग रहता था। वह अक्सर सतीश के साथ गाली गलौज करता था और उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। 6 दिन पहले राहुल शराब के नशे में धुत होकर सतीश के घर के सामने आया, गाली गलौज की और उसके घर पर पत्थर भी फेंके। सतीश ने MIDC पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने राहुल के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की। आखिरकार रात में फिर राहुल उसके घर पर गया। उस समय सतीश घर पर नहीं था, उसकी मां घर पर ही अकेली थी। उसने काफी देर तक गाली गलौज की और उसने सतीश को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। रात में सतीश जब घर लौटा तो भोजन करते समय मां ने राहुल द्वारा घर आकर गाली गलौज करने की उसे जानकारी दी। गुस्से में आग बबूला सतीश ने रात 12 बजे के दौरान कुल्हाड़ी लेकर राहुल के सीने पर वार कर दिया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही MIDC पुलिस मौके पर पहुंच गई। तातडीने माहिती केली असता घटनेच्या एक दिवस अगोदर रात्री शेजारीच राहणारा सतीश शेसला उसे बरगे वय 22 वर्ष, दोन घर सोडल्यानंतर तो आपल्या आईवडिला सोबत राहतो, त्याच्याशी काही दिवसापूर्वी वाद झाला होता। तर आम्ही पोलीस स्टेशनला आमचे प्रतिबंधक कारवाईसुद्धा करण्यात आलेली होती। त्यानंतर घटनेच्या दिवशी एक दिवस अगोदर हा कंपनीतून काम आल्यानंतर घरी जेवण करत असताना त्याच्या आईने त्याला सांगितलेले होते की हा अजून घराकडे येऊन शिवीगाळ करत होता। मृतकसुद्धा हा खूप दारू प्यायचा आधी होता आणि तो इतका दारूच्या आहारी गेला का तो 24 तास नेहमी दारू पिऊन राहायचा। त्यावरून तो शिवीगाळ केल्यामुळे त्याला राग आला होता आरोपीला। मग तो रात्री 11 वाजता चुपचाप त्याच्या झोपडीमध्ये गेला। त्यावेळेसुद्धा कुत्रासुद्धा त्याच्या बाजूला झोपलेला होता। त्या मृतकाला चावूल लागली ती आपल्या झोपेत कोणतरी आला म्हणून। त्याच्यापूर्वीच त्याने त्याच्या डोक्यावर कुऱ्हाडीने 2-3 घाव घातलेले होते। कुत्रा ओरडला होता, कुत्र्याला बी मारण्याचा प्रयत्न केला होता त्यांनी। त्यानंतर ते तिथून पसार झाला। आम्हाला शंका आली होती तरी आम्ही या शंकेच्या भरोशावर 2-3 लोकांना आम्ही आपल्या याच्यात घेतलेलं होतं विचारपूस करण्याकरता। नंतर आम्हाला माहिती पडली की याला सखोल इंट्रॉगेशन केल्यानंतर याने आपला गुन्हा कबूल केलेला आहे, याला आम्ही आपल्या ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील तपास पोलीस आणि MIDC येथील EPI गिरी साहेब करीत आहेत। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।